हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम ऑन माय चैनल। दोस्तों, हमारे पास ये AUY कंपनी का चार्जर आया है 10 एम्पेयर में, जिसमें अभी रिस्पॉन्सिंग कोई भी नहीं है। इसमें जो वायर वगैरह लगा रहा हूँ उसमें करंट वगैरह कोई भी नहीं जाला। मसलन इसका जो अभी जो कंडीशन है वो डेड है। तो अभी हम इसको खोलते हैं, खोल कर चेक करते हैं, उसके बाद आपको रिन्यू दिखाते हैं। ये लीजिए दोस्तों, अभी मैंने इसको खोल लिया। सो अभी इसकी कंडीशन आप देख लें, बिल्कुल नया लगा पड़ा है। ठीक है, इसमें अभी देखते हैं इसमें फॉल्ट कौन सा आ गया है जो कि चल नहीं रहा अभी। ठीक है, तो ये इसकी बिल्कुल क्लियर कंडीशन है इसकी। सो ये दोस्तों, इसको मैंने सर्किट इसका उल्टा कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी सीरीज वगैरह चेक कर लेते हैं। तो मैंने ये LED बल्ब यहाँ पर रखा है। ठीक है, सो ये देखें इसकी सीरियस कंडीशन, अभी ये सीरियस की जल रही है। ठीक है, मगर यहाँ पर इसका कोई कंड वगैरह नहीं आ रहा। तो इसका बटन भी मैंने चालू कर लेता हूँ। ठीक है, कोई वोल्ट चेक करेंगे, वोल्ट वगैरह चेक करते हैं कि कहाँ से वोल्ट किसके आ रहे हैं कि नहीं। तो मीटर का आपको रख देना है इसकी यहाँ पर सप्लाई पर, पावर सप्लाई पर। ठीक है, तो ये इसकी पावर सप्लाई की वायर है। ठीक है, आप ये चेक करें कि वोल्ट वहाँ तक आ रहे हैं कि नहीं। सो ये देखें, वोल्ट इसमें आ रहे हैं। ठीक है, वोल्ट अभी ड्रॉप है, कम आ रहे हैं मगर आ रहे हैं। तो आगे यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बन रहे हैं। इसके अलावा हम कैपेसिटर जो होता है मेन कैपेसिटर से यहाँ पर वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर वोल्ट बन रहे हैं। सो सप्लाई तक अंदर वोल्ट जा रहे हैं। ठीक है, आउटपुट हम चेक कर लेते हैं इसको वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। तो ये इसका कैपेसिटर होता है 35 वोल्ट का, यहाँ पर वोल्ट नहीं बन रहे। ठीक है, यहाँ पर वोल्ट नहीं बन रहे तो उसकी सप्लाई हम निकाल लेते हैं, इसकी पावर सप्लाई कंड हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कंड निकालने के बाद ये इसका जो कैपेसिटर होता है इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं हम। ठीक है, ये डिस्चार्ज हो गया। तो अभी हम इसकी सप्लाई के कंपोनेंट होते हैं जो मेन मेन कंपोनेंट होते हैं, ये हम उसको चेक करेंगे ये सही है कि नहीं। एक ये IR होते हैं, दो IR ये। ठीक है, IC और इसके साथ इसका जो जीनर लगा होता है वो हम लाजमी चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 20 पर रख लेते हैं। ठीक है, और ये ओम्स पर, डायोड ओम्स पर। तो हम इसके ये चेक कर लेते हैं। तो ये देखें इसके दोस्तों, ये जो IR है ये 1 पॉइंट इसकी शार्ट बता रहा है और 1 पॉइंट सही है। तो सबसे पहले हम इसकी पॉइंट शार्ट निकाल लेते हैं ताकि हमें जो चेकिंग करने में जो टेंशन वगैरह ना हो, आसानी से हम चेक कर सकें इसकी ख़राबी। IR निकलते हैं। सो IR को हम चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये देखें IR बहुत सही लगे पड़े, IR इसके सही है। ठीक है, IR में इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देख लें आप, इसका IR ये भी सही है, ये IR भी सही है। ठीक है, तो ये IR अभी शार्ट नहीं बता रहे हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं 20K पर रखते हैं। हम इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं, ये देखें सही है, और ये भी 20K पर रख कर हम उसको चेक कर लेते हैं, ये भी सही है। सही है दोस्तों, तो इसके जो IR हैं वो सही है, एक्यूरेट हैं इसके, सही है। फाइनली हम इसके जो ये IC है उसको चेक कर लेते हैं। पहले हम इसके जीनर को चेक कर लेते हैं, ये 24 वोल्ट का जीनर लगा होता है, इसको हम चेक कर लेते हैं, ये देखें शार्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो शार्ट बता रहा है, तो पहले हम इसको नहीं निकालते, पहले हम इसे निकाल लेते हैं इसके IC को। ठीक है, ये IC इसकी 3844 इसका नंबर है।
इसको हम निकाल लेते हैं, ये हमने निकाल ली। अभी फिर से हम इसका जीनर जो लगा हुआ है उसको चेक करेंगे कि ये शॉर्ट है कि नहीं। तो ये देखें, ये सही हो गया। सो उसका मकसद ये है कि इसकी जो आईसी है ये 3840 ये ख़राब है, शॉर्ट है। ठीक है, तो पहले हम इसको बदली करते हैं। बदली करके हम इसकी जो बेस पर जो वोल्ट आते हैं वो चेक करते हैं, वो कंफर्म आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं फिर हम इसके आयर लगा कर इसके वोल्ट चेक करेंगे। सो ये हमारे पास न्यू आईसी है, हम इसको इसके अंदर लगाएंगे। तो इसका निशान देख कर लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसका निशान नीचे की तरफ है, तो हम नीचे की तरफ इसको निशान करके इसके अंदर सर्किट की जो बेस लगी हुई है, आईसी बेस लगी हुई है, इसके ऊपर लगाएंगे। सही है, तो अभी ये लग गई है। अभी फिर से हम इसके जीनर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका जीनर सही बता रहा है इसका। ठीक है, तो अभी हम इसको पावर सप्लाई देके चेक कर लेते हैं पावर लगा कर। ठीक है, सो पावर मैंने दे दिया इनके अंदर। ठीक है, तो अभी हम इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं। सही है, इसके वोल्ट बन रहे हैं। सही है, तो वोल्ट इसके बन रहे हैं। अभी हम इसके आई आर लगाते हैं। सही है दोस्तों, तो अभी हम सप्लाई की तार लगा रहे हैं बोर्ड के अंदर। सो मैंने ये भी लगा लिए। अभी हम इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं, ये 35 वोल्ट पर जो वोल्ट आते हैं वो चेक कर लेते हैं कि आ रहे हैं कि नहीं। सो ये देखें दोस्तों, ये इस पर 12 वोल्ट 13 वोल्ट आना शुरू हो गए। तो उसका मकसद ये, अभी ये चार्जर रेडी हो चुका है। तो उसका प्रॉब्लम जो था वो सिर्फ इसकी आईसी का था। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से मैंने इसका जो प्रॉब्लम सोल्व किया। तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।